2003 में बहुचर्चित फिल्म बागवान ने माता पिता के अवमानना को बखूबी पर्दे पर निखारा। लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हुए उन्हें बोझ समझते हैं। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की इस फिल्म ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। ऐसे ही एक मामला कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के तेजा टोला में देखने को मिली। दरअसल दशरथ पासवान को 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी हो गई, वह अपने ससुराल में रहती है। 3 बेटे जो अपने ही माता पिता का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। अब आप ये भी जान लीजिए तीनों बेटे करते क्या है। पहला बेटा विजय कुमार पासवान, जो बैंक में मैनेजर पद से रिटायर हो चुके हैं। दूसरा बेटा गणेश पासवान, जो बारसोई में सरकारी अमीन है। और तीसरा बेटा वीरेंद्र पासवान, जो नवादा सरकारी स्कूल में हेडमास्टर है। इसके बावजूद दोनों बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तेजा टोला में दोनों बुजुर्ग सड़क पर बैठे देख स्थानीय युवाओं ने जब पूछताछ की तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला एकजुट हो गया। पता चला कि वीरेंद्र पासवान ने गणेश पासवान के घर पर पहुंचकर उन्हें छोड़ दिया और गणेश पासवान ने उन्हें सड़क किनारे छोड़कर चले गए। हालांकि गणेश पासवान इन बातों से इनकार करते नजर आ रहे। स्थानीय लोगों की माने तो जमीनी विवाद को लेकर तीनों बेटों ने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस की मदद से मामला सुलझा लिया गया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज में हो रहे कुरीतियों को उजागर कर सामने रख दिया है। लड़ाई किससे? बेटा किस बात के लिए? खाना पीना नहीं देता, सामान उमान बाहर फेंका हुआ है। कौन फेंक दिया? हम बाहर नहीं किए। कौन किया? वीरेंद्र नाम भाई है, वो ले आया। हम कहे गाड़ी से ले जाओ, तो लाया यहाँ छोड़ दिया। इसका बेटा है ना? इसका जानकारी नहीं थी हमको कि छोड़ दिया है। ये जानकारी नहीं थी कि छोड़ दिया है। आपको क्या जानकारी मिली? आप लोग गए तब हम जानकारी मिला, तब साथ ही आए। हाँ नहीं, कार पर आया है। घर मेरे जाएगा, आप कहाँ जाएगा? घर जाएगा। पत्नी भी घर में नहीं है। मेरा हाथ थोड़ा जख्म हो गया है, उठता है ना। हम कह रहे देखिए दशा है, तू लबल ले ले जाइए। हम कह पत्नी तिलोरे में है, तुम वहाँ पहुँचाओ, सेवा करेगा वही। क्या करते हैं आप? हम अंचल अमीन है, बारसोई सब डिवीजन। गणेश कुमार, जब सड़क पे हंगामा हो रहा है, मैं हमको पता चला कि ददन जी फोन किए कि गणेश पासवान जी के माता पिता को महादेव सैलून के सामने में रोड पर छोड़ करके चले गए। यहाँ मोहल्ले के लोग सब, युवक सब, उनको कंबल आदि दे करके नाश्ता उस्ता करा करके चाय पिला करके रखे हुए हैं। आप जल्दी आई, हम आए तो देखे कि सही में है। कुछ लड़का गणेश पासवान जी के यहाँ गया, गणेश पासवान जी भी आए। अब आए तो बेटा के अनुरूप इनको चाहिए कि हमने यहाँ नहीं रखा, या जो भी बातें कहने के बदले अब ये जमीनी मामला कर रहे हैं। जबकि इनका 3 बेटा है, तीनों बेटा को ये माता पिता ने पढ़ा लिखा करके जॉब में डाल दिया, और जॉब में करने के बावजूद भी वह माता पिता को रोड पर लोगों ने फेंक देते हैं और छोड़ देते हैं। ये जघन्य अपराध है इन बेटाओं के लिए। बस प्रशासन को फोन किया है, प्रशासन आ रही है और ये प्रशासन को दे रहे हैं। हमारे पास तो व्यवस्था है, वृद्धा आश्रम भी अपने कटिहार में नहीं है, नहीं तो हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। रैन बसेरा है तो उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। अगर बड़ा बेटा इनको नहीं अपने घर ले जा रहा और उसके माँ बाप कहता हमको घर ले जाएगा तो मारेगा पीटेगा, हम तो कहेंगे कि उनका बेटा अगर अपने घर ले जा रहे हैं तो महफूज रखे और मारपीट न करे। उनके माता पिता कह रहे हैं कि हम घर ले जाएगा तो मारेगा। कानून बनी है कि 60 साल से ऊपर अगर प्रताड़ित, और कानून है कोई भी बेटा अपने माता पिता को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। और जॉब में रहते हुए लोग अगर इसी कानून को उल्लंघन करते हैं तो स्वयं उसका समझे कि निर्णय क्या हो सकती है। ये बात बताने पर ये गणेश जी तो हम ही लोगों पर उल्टे बरस जाते हैं, लेकिन खुद जॉब में रहते हुए कानून को उल्लंघन करने के पर उतारू रहते हैं। नहीं, मैं तो कहूंगा कि अगर वह बेटा, एक बेटा इनको छोड़ के गया है तो आप भी तो बेटा है, आप भी तो माता पिता को देखभाल कर सकते हैं। रखिए, बाद में पारिवारिक मैटर है, आप लोग सुलझाइएगा, लेकिन रोड पर माता पिता को मत छोड़िए। यह समाज में मैसेज जा रही है तो दूसरा परिवार में इस तरह से भी लोग करेगा, ऐसा मैसेज समाज को ना जाए। हम गणेश जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे। मैं राधेश्याम गिरी, वार्ड प्रतिनिधि